हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिपेयरिंग टूल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं इसका दूसरा पार्ट बनाने वाला हूं। यदि आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने इन सब के बारे में बता चुका हूँ और आपको बता दूँ कि यह किस वजह से हमारे पास आया है। सबसे पहले मैं इसके बारे में बता दूँ, यह है थर्मोस्टेट और यह एलिमेंट है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है, जो एलिमेंट ख़राब होने की होती है, कभी कभी थर्मोस्टेट ख़राब होने की वजह से या ज़्यादा समय हो जाने से एलिमेंट के पाइप गल जाते हैं, इसकी वजह से भी एलिमेंट ख़राब हो जाता है। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, यह जो गिजरा है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि जब इसे हम ऑन करते हैं तो पानी में करंट आता है। वो करंट किस वजह से आता था, या तो आपका कोई वायर बॉडी से टच है इस वजह से करंट आ रहा है, या फिर आपका एलिमेंट ख़राब है इस वजह से करंट आ रहा है। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है करंट की। अगर आपका गीजर वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप इसकी वायर चेक कीजिए कि कहीं आपकी वायर ख़राब तो नहीं है, या फिर सबसे पहले आपको जो प्लग, इसके प्लग को चेक करना है। हमने इसके प्लग को यहाँ से काट दिया है। कभी कभी इस प्लग के अंदर ज़्यादा लोड होने की वजह से ज़्यादा हीट हो जाती है और प्लग जल जाता है। इसके बाद आप थर्मोस्टेट को चेक कीजिए और इसको चेक कीजिए और एलिमेंट को चेक कीजिए। इस तरीके से सब कुछ चेक कीजिए कीजिए जो मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसे किस तरह से चेक करें। जो कि करंट आ रहा था इसमें, तो कैसे हम इसे दूर करें, कैसे हम इसका समाधान करें और कैसे हम इसका सही करें कि इसमें क्या दिक्कत है। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास 2 मीटर हैं। दोस्तों, ये हमारा पुराना मीटर है। इसके लिए हमने दूसरा आपके लिए मंगवाया है। ये एनालॉग मीटर है और ये काला मीटर है। दोनों की मदद से हम चेक कर सकते हैं। यदि हम काले वाले मीटर पर चेक करते हैं तो इसे हम जो एनालॉग मीटर से मिलेगा वो नहीं मिलेगा, इस काले वाले से नहीं मिलेगा। इसमें यह जानकारी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि इस वाले की लेंथ कम होती है, इस वाले की लेंथ कम होती है और एनालॉग की लेंथ ज़्यादा होती है। इसलिए इसमें यदि थोड़ा सा भी हल्का करंट होगा तो हमें बता देगा। पहले आपको करना क्या है कि चाहे कौन सा भी मीटर हो, आपको इन दो तारों को लेकर दोनों सिरों पर, एक इस पर और दूसरा उस पर लगाना है। तो आप देख रहे हैं कि सुई हमारी उठ रही है, जो हमारी कंटिन्यूटी है वो यहाँ तक आ रही है।
कंटिन्यूटी हमारी आ रही है। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि यह गीजर तो हमारा ठीक है। इस कस्टमर की शिकायत थी कि वो ये थी कि हमारा गर्म पानी तो हो रहा है लेकिन करंट आ रहा है, इसका मतलब सब कुछ ठीक है यानी हमारा करंट आ रहा है। इसके बाद हमारे कस्टमर की शिकायत यह थी कि इसमें करंट आ रहा था। इसके बाद हम चेक करें कि एक प्लग पर और दूसरा बॉडी पर करंट आना चाहिए। यदि हम बॉडी पर सुई लगाएंगे तो हमारी सुई उठनी चाहिए, जो हमारी उठ। कभी भी आप चेक करें, ऐसी कोई भी शिकायत हो तो इसमें पानी भरा होना चाहिए, एलिमेंट हमारा पानी में डूबा होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इस एलिमेंट को चेक करना है और इसके पूरे कनेक्शन को खोल देने हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसके कनेक्शन होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ये कनेक्शन खोलेंगे और उसको अलग करेंगे, फिर हम इसको अलग करेंगे। और दोस्तों कनेक्शन खोलने के बाद आपको इसे ऊपर की ओर खींचना है बहुत ही आराम से, इसमें कोई पेच नहीं होता है और छोटा सा एक लॉक होता है जो आप यहाँ पाइप पर फंसा हुआ होता है, यह थर्मोस्टेट कहलाता है। जब आप इसे ऊपर की ओर खींचेंगे तो बहुत ही आसानी से खींच जाता है। इसको हम रिमूव कर दिया है यानी हमें इसको निकाल दिया है, अब हम दूसरे को निकालेंगे। दोस्तों इसके पेच दोस्तों हमने इसके पेच खोल लिए हैं। इसके बाद आपको इसे ऊपर उठाना है। आप इसे भी ऊपर उठा सकते हैं और इसे भी ऊपर उठा सकते हैं। हम ये अंदर से आपको सारा जो इसका टब है वो दिखाएंगे, ये गला सड़ा हुआ तो नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपको इसे ऊपर उठाना है। आप देख रहे होंगे कि जो हमारा एलिमेंट है वो गल कर टूट चुका है, तो आप इसे बाहर निकाल लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो टेप है वो गला हुआ तो नहीं है। दोस्तों जो आपको ये दिख रहा है इसे मत छूना, इससे खुजली होती है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि हमारा जो टेप है वो गला हुआ तो नहीं है या उसमें कूड़ा कचरा तो नहीं है, वो भी आप साफ कर सकते हैं। इसको खोल कर चेक करेंगे तो आप जान भी सकते हैं कि किस तरह से ये एलिमेंट ख़राब हुआ है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा हमारा गल चुका है दोस्तों और टूट भी गया है। इसकी वजह से
ये करंट आ रहा था और ये काम तो कर रहा था और करंट बहुत ज़ोर से आ रहा था, जिसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता था। यदि कभी भी आपके यहाँ कोई भी दिक्कत हो तो आप सबसे पहले चेक कीजिए कि कोई वायर टच तो नहीं है। यदि टच नहीं है तो एलिमेंट हमारा 100% ख़राब है। हेलो दोस्तों, हमने इसका जो एलिमेंट था वो चेंज कर लिया है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी आपको दे दूं। दोस्तों जो आपको ये पाइपलाइन दिख रही है, ये जो पाइपलाइन हमेशा आउट में रहेगी और ये जो दूसरी पाइपलाइन है जो हमेशा इन में रहेगी। दोस्तों जो हमारा गर्म पानी होता है वो ऊपर उठ जाता है और जो ठंडा पानी या रहता है वो हमेशा नीचे ही रहता है। दोस्तों अब इसके कवर को बंद करना है। दोस्तों मैंने इसके कवर को अच्छी तरह से बंद कर लिया है, आप भी अच्छी तरह से बंद कर ले। दोस्तों अब ये हमारा फर्स्ट थर्मोस्टेट है और ये सेकंड थर्मोस्टेट है। ये मैनुअल है और हाथ से सेट करने वाला है। दोस्तों ये हमारी मेन लाइन है, ये फेस है, ये न्यूट्रल है और ये अर्थिंग है। इसे बॉडी से टच करना है। इसको फर्स्ट थर्मोस्टेट में जो हमारा हाथ से सेट होता है, इसके साथ में एक जो हमारी रेड लाइट है उसे भी लगाना है। ये थर्मोस्टेट के इनकी तरफ लगाना है। दोस्तों थर्मोस्टेट के दूसरी तरफ आपको एक वायर का टुकड़ा और एक एलईडी लाइट जो रेड है उसकी वायर को लगाना है। दोस्तों जो आउट हमारी निकली है थर्मोस्टेट से उसे मैनुअल के इन की तरफ लगाना है। दूसरी तरफ एक और वायर का टुकड़ा लगाना है। इस वायर के टुकड़े के साथ एक ग्रीन लाइट का एक सिरा आपको एलिमेंट में लगाना है, एलिमेंट के एक सिरे पर लगाना है। दोस्तों हमारे पास बचा हुआ है एक न्यूट्रल और एक ग्रीन। आपको न्यूट्रल एलिमेंट के सिरे पर सीधा लगाना है और एक ग्रीन लाइट का एक सिरा। और ये जो अर्थ बच गया इसे इसके एलिमेंट के बॉडी से टच करना। तो दोस्तों अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा जो इलेक्ट्रिक गेजर है वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, जो इसमें करंट था वो निकला या नहीं निकला है। तो दोस्तों जो हमारा मीटर है वो कंटिन्यूटी बता रहा है और इसे बॉडी से टच करते हैं तो यह है करंट नहीं
और हमारा जो इलेक्ट्रिक गीजर है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।